हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फैक्ट्स इंजीनियर चैनल में। ऐसा क्यों है कि 90% लोग अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्यों ही कि वे सिर्फ अपने आप को कम में ही सेटल कर लेते हैं, जबकि लोग उससे कहीं ज्यादा करने के लिए अपने लाइफ में कैपेबल होते हैं? ऐसा क्यों है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और खुद को अपनी लाइफ से चुनौती क्यों नहीं दे पाते हैं? अपने लाइफ को क्यों पहले से ज्यादा एक्साइटिंग एडवेंचरस बनाने का क्यों डरते हैं लोग? आखिर ऐसा अपना लाइफ क्यों बना लेते हैं लोग? क्योंकि अपने सपने को जीना मुश्किल होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। अपने सपने के लिए जीना और काम करना कठिन होता है। अपने सपनों के लिए जीना और उस पर काम करना वाकई में सबको कठिन होता है। अगर आपको अपने सपने हार्ड लगने लगे तो आप उससे ज्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अपने सपनों पर काम करो। I would never allow to stop me। मेरे पास कोई ऐसा इजी ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, यू हैव नो ऑप्शन। एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन हर एक प्रॉब्लम में अवसर को देखता है और एक दुखी आदमी हर अवसर में प्रॉब्लम को देखता है। अगर आप अपने सपनों को चेज करना चाहते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके बारे में आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप कौन हो, हु आई एम। प्रॉब्लम या कोई इंसान नहीं डिसाइड करता है कि हु यू आर। आपको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को देखिए कि क्या आपके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है, ये सिर्फ आप डिसाइड करते हो। आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो? ब्रूसली ने कहा है कि आप कभी भी एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, आप हमेशा एक मुश्किल सिचुएशन को सहन करने की स्ट्रेंथ की प्रार्थना करो। हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन केवल एक चीज जो हम बदल सकते हैं वो है अपने प्रेजेंट को। प्रेजेंट में जीना सीखिए। हम सब लोग को पता है कि एक इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटा सोचते हैं और वो छोटा अचीव कर लेते हैं और वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन जब सोचना है तो बड़ा सोचो और बड़ा अचीव करो। लेकिन दुनिया में सब कुछ पाना पॉसिबल है अगर हार्ड वर्क और डेडिकेशन से करो, तब पॉसिबल है। और हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उस इंसान को अपने अंदर की टैलेंट को देखना होता है, ढूंढना होता है। मैं अपने सपनों को पाए बिना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। मैं इस अवसर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे ये मिल नहीं जाता। सेट योर गोल्स 2020 एंड डू विद ऑल योर डेडिकेशन। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइज। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइज। Thanks for watching my videos.